जॉब में प्रमोशंस मैनिफेस्ट करने हैं या फिर बिजनेस में सक्सेस मैनिफेस्ट करना है, तो आज प्रोफेशनल वे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, कैसे हम इन चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं फास्टर नोट पे, इसके बारे में बात करेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज गीतिका भाटिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिवाइन स्पेक। सो जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो उसमें हमें लगता है कि अब हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, प्रमोशंस चाहिए, और उसके लिए बहुत स्ट्राइव करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही, किसी और को क्यों मिल गई, या इस टाइप की बातें होती हैं। अगर बिजनेस में है तो हम कहते हैं कि जो हमारे कंपेटिटर हैं वो ज़्यादा उनको सक्सेस मिल रही है, हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जब भी आप किसी नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, अगर वो प्रमोशन की बात करें या हम बिजनेस में सक्सेस की बात करें, बिजनेस को हाई लेवल पे लेके जाने की, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की बात करें, तो हमें कंपटीशन नहीं करना है किसी के साथ। कंपटीशन जो होगा वो आपका अपने साथ होना चाहिए, क्योंकि जैसे पहले की वीडियोस में भी मैंने बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है एवरी टाइम, और एज पर द यूनिवर्सल लॉ, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, एज पर दिस वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेम एनर्जी, हम सब एक ही एनर्जी हैं। तो जब आप दूसरे पर्सन से कंपटीशन रखते हैं, उसके बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो मुझसे ज्यादा क्यों, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए या उसको ज्यादा सक्सेस नहीं मिलनी चाहिए, तो आप किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप अपने ही बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सब एक ही एनर्जी है, एक ही एनर्जी के पार्ट हैं। तो जब आपको किसी और का दुख सुन के दुख लगता है या किसी और की खुशी में खुशी होती है, तो इसका मतलब है कि जब आप किसी के लिए गलत सोच रहे हैं या उसका अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो आप उसका नहीं अपने लिए ये सोच रहे हैं। चलिए इसको ऐसा नहीं समझते हैं कि ये एक बुकिश स्टेटमेंट है कि आपने किसी और का बुरा सोचा और या किसी और के लिए गलत सोचा, नेगेटिव सोचा, और ये आपके साथ हो गया, तो इसको लॉजिकली समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है। जब आपने एक नेगेटिव थॉट क्रिएट किया किसी के लिए, आपने बोला कि इसको ये प्रमोशन नहीं मिलनी चाहिए या ये मुझसे अच्छा काम कर रहा है, मुझे इससे ज्यादा आगे प्रमोशन चाहिए या कुछ और सक्सेस की बात करते हैं, तो आपका माइंड अपनी परफॉर्मेंस या अपनी प्रोग्रेस के लिए वर्क नहीं करता है, उसको सोचने के लिए कि नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है और कैसे हमें आगे की तरफ ग्रो करना है या उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, वो सब सोचना हम बंद कर देते हैं। और हमारा माइंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या थॉट्स क्रिएट करता है, उसके बारे में सोचने लगता है, कुछ ना कुछ माइंड में पॉलिटिक्स चलने लगती है कि मैं उसको बाकी सीनियर्स के सामने कैसे थोड़ा सा नीचा दिखाऊं या मैं उसके वर्क को कैसे अंडर एस्टिमेट करूं, या कुछ इस टाइप की प्लानिंग्स में आप लग जाते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये नॉर्मल है, कॉर्पोरेट में ऐसी बातें होती हैं। तो जब हम ऐसा कुछ सोचने लग जाते हैं तो इट्स लॉजिकल, आप किसी और के लिए सोचते जा रहे हैं, और जब आप उनके लिए ये सारी चीजें सोचते हैं, ऐसे थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस हैम्पर होती है, क्योंकि आप अपनी बेस्ट करने के लिए, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए वर्क तो कर ही नहीं रहे हैं। एवरी टाइम माइंड जो है वो कहाँ चल रहा है, दूसरे पर्सन को डाउन करने के लिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो तो एवरी टाइम वर्क कर रहा है, जब आप सो रहे हैं, नींद में भी जब आप सोच रहे हैं, आपको थॉट्स आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं कि मैं उसको ऐसा दिखा रहा हूँ या मैं उसके लिए ऐसा कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ, तो आप तो वही अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके लिए आपका माइंड वर्क कर रहा है, और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, नेक्स्ट प्रमोशन लेने के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं आप। तो जब आप नहीं वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये सोचिए कि आप कैसे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। एंड द सेम थिंग हैपेंस व्हेन आप किसी बिजनेस में हैं
और एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के लिए ये सोचता है कि कैसे उस बिजनेस को डाउन किया जाए, या वो हमारे कंपेटिटर हैं, हम उनके लिए अगर उनके किसी यू नो प्रोडक्ट्स का ये प्राइस है या कुछ है, तो उस केस में हम कैसे अपने प्राइसेस डाउन कर लेते हैं। आप अपनी क्वालिटी पे वर्क कीजिए, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हमें उनके प्राइसेस को कम्पीट करना है, या उनकी चीज़ों को कम्पीट करना है, या उनकी जो भी सर्विसेज हैं उनको कम्पीट करना है। आप अपनी बेस्ट देने की सोचिए कि आप क्या बेस्ट दे सकते हैं, ऐसा आप यूनिक क्या दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को, जिससे वो आपके पास आए। तो आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन आप किसी के लिए खराब नहीं सोच रहे हैं। जब आप अपना अच्छा सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके नेगेटिव थॉट्स का जो साइड है वो स्टॉप हो जाता है, आप पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए अच्छा करेंगे, लेकिन जब आप किसी और के लिए नेगेटिव सोचेंगे, उसका अच्छा ना हो, तो ये ऑटोमेटिक है कि आपने अपना अच्छा सोचना बंद कर दिया। जब वो ही सोचना बंद कर दिया तो कैसे अच्छा होगा। इसलिए एवरी टाइम अपने से कंपीट कीजिए कि मैं पहले क्या था और आगे मुझे कैसा होना है, बेटर परफॉर्म करना है, बेस्ट परफॉर्म करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है। सेम विद द सक्सेस इन द बिजनेस एंड इन द जॉब प्रमोशंस एंड प्रोफाइल्स। तो कभी भी किसी से कंपीट मत कीजिए लाइफ में, हर कोई हम सब एक ही है। अगर आप किसी और का बुरा सोचेंगे तो अपना बुरा ऑटोमेटिकली होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसीलिए आपके लिए वर्क नहीं करता जब आप कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। बी पॉजिटिव ऑल द टाइम फॉर एवरीवन, फॉर योरसेल्फ। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।